आज हम लोग गोल बाजार चौक में हैं। आज मुलायम सिंह जी का जो पूर्वतन प्रधानमंत्री सांसद सेंट्रल मंत्री रह चुके थे, जब उनकी देहात की बात सुनी गई सारे भारत में एक शोक सभा बैठ गई। आज संबलपुर में भी एक शोक सभा, यहाँ पर देख सकते हैं मुलायम सिंह जी के डेथ होने की खबर मिलते ही एक शोक सभा हो रही है। आज गोल बाजार चौक में इस तरह टू हर तरफ कैंडल जला के आज इनका शोक सभा की जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज श्रद्धांजलि में हर किसी चेहरे में माथे उधर आज ही मिलेंगे हमारे यहाँ के कुछ नेता हैं, मुलायम सिंह जी के सपोर्टर, ब्लाइंड सपोर्टर, और मुलायम सिंह जी के पार्टी के भी कुछ लोग मिलेंगे। ये आप नाटक करेंगे भैया, आप समाजवादी पार्टी भैया, सर आपका मोहम्मद इसाद जी अभी आइए मिलेंगे। हाँ सर आपका नाम बताएंगे? अरविंद कुमार यादव, महेश यादव। हेलो। हाँ सर, आज जो मुलायम सिंह का जब सवेरे से खबर आई सारे हिंदुस्तान में एक शोक की लहर हो गई, क्योंकि इतने लड़वा नेता कई बार मंत्री रह चुके हैं और कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हर तरफ रह चुके हैं, तो सर उनके बारे में सर आप बताएंगे थोड़ा। मुलायम सिंह यादव एक जमीनी नेता, माने एक समय में एक जमीन से उठा हुआ आदमी कितना ताकतवर बन गया, भारत में जो सामाजिक असमानता के खिलाफ एक बहुत बड़े प्रतीक बने, एक बहुत शक्तिशाली नेता। आज जरूरत है देश में जो हालात हैं फिर से वैसी वैचारिक लहर एक पैदा की जाए। यदि हमें देश में एक संघर्ष करना है, जो धर्मांध ताकतें हैं उसके खिलाफ संघर्ष करना है, तो वैचारिक, और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने अपने प्रारंभिक दिनों में वैचारिक संघर्ष करके और उनको हराया था, आज भी उसी जुनून की जरूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप थोड़ा बताइए। यादव समाजवादी पार्टी जिला संबलपुर। आज हमारे नेता जी का शुरुआत सुबह 8:30 बजे सारे समाजवादी परिवार के लोग खुशी है, देश के तमाम नेता लोग खुशी हुए हैं, देश के जनता खुशी हुई है। आज नौजवानों, गरीबों और किसानों के मसला माननीय नेता जी हम सबको छोड़ कर चले गए, नेता जी की आज कमी हम लोग को करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, अन्य लोग धन्यवाद देंगे। आज इशाक भाई, हाँ सर आज उनके जीवनी के बारे में थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे। मुलायम सिंह यादव एक सेकुलर विचारधारा के थे वो, और उनका आज उनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। उनका 82 वर्ष में उनका निधन हो गया है, और वो जनता दल से राजनीति स्टार्ट किए थे और सेकुलर विचार के थे वो। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने सुना, अभी शायर भी हमारे सामने में आ चुके हैं जो समाज से भी सोशल वर्क है। सर आपका पूरा नाम? मोहम्मद अजीम मछली जी। सर आज जो सर उनके लिए एक शोक सभा जो पूरे भारत में क्या विषय में लोग मानते हैं, उनके चाहने वाले हर तरफ है, चाहने वाले उनको सबसे ज़्यादा उन्हीं को चाहते थे। उत्तर प्रदेश में लोग नेता जी कहते हैं, बहुत ही पॉपुलर और बहुत लीडर थे, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत लड़ते थे वो, सच बात बोलते थे। ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उन्हीं के जो सुपुत्र है अखिलेश जी वो भी अच्छी उन्हीं के रास्ते में चल रहे हैं। हम उनको अपने दिल से श्रद्धांजलि देने का। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा संबलपुर के महान आदमी जो सामाजिक आदमी है, हर किसी ने उनको आज श्रद्धांजलि दी गई, हर तरफ शोक सभा भी हो रही है, क्योंकि वो ऐसे नेता थे सब कोई उनको पसंद करते थे और सब उनको लाइक भी करते थे। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद।